एकम यार आज 26 जनवरी है, क्या बोलोगे? अपना संविधान ना हो, लोकतांत्रिक और क्या क्या तीन प्रकार के होते हैं संविधान। तीन प्रकार के कौन कौन से? एक कार्यपालिका, इस तरह के तीन होते हैं, हम थोड़ा दूर हैं। तीन संविधान मतलब एक कार्यपालिका, दो और याद नहीं आ रहा। दो याद नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और एक और कुछ बना था, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, ये तीन तीन संविधान भारत में है, भारत में लागू हुआ था। क्रिकेट किस में आता है? ये क्रिकेट तो व्यवस्था भाई, खेल है तो व्यवस्था किस में आता हो? व्यवस्था में आता है कि किस में आता है? वो व्यवस्था ही है। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? क्या नाम क्या है? अनुज मिश्रा। आज के दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी है आज। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आज के दिन? अच्छा, तो संविधान कितने प्रकार के हैं भाई साहब? ने तीन प्रकार बता कुछ बोल नहीं रहे हैं? नहीं, वो शर्मा रहे, बहुत शाय। आप भाई इनको बता दो डिटेल में, हंस रहे हैं भाई आपकी बात को लेकर। नहीं मतलब, अच्छा आप श्योर हो कि नहीं पहले ये बताओ। हम तो श्योर हैं, हम तो कह रहे हैं कि तीन ही प्रकार के संविधान होते हैं ना। हाँ, संविधान में तीन। जिमी एंडरसन। तो आपका फेवरेट बॉलर कौन? जिमी एंडरसन। आज 26 जनवरी है, क्या बोलेंगे? क्या 26 जनवरी पर क्या देश क्या हुआ था? आज आज के दिन देश आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1947 में। तो अब इसके देश आज़ाद हुआ था, क्या बोलें हम इसके बारे में? हम 47 में आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1947। 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1949 में हुआ था। 1950 ठीक है यार, इसी मतलब। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको इसमें वाली बात नहीं है। आप एक बॉलिंग अपने एक्शन करके दिखाइए। होने वाला मैच एक्चुअली अपना मिर्ज़ापुर में है, तो टूर्नामेंट मैच है, तो उसी के लिए बस बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। आप स्पिनर बॉलर हैं और फास्टर बॉलर इसमें से कौन है? ये विशाल है। आप तो काफ़ी कम उम्र के लग रहे हैं, उतने फिट भी नहीं लग रहे हैं। फास्टर बॉलर आप कैसे हो गए? जैसे रहना चाहिए सही है। नहीं मतलब कब से फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं भाई? अभी हमको एक साल भी नहीं हुआ। अभी एक साल नहीं हुआ है तो बॉलिंग में आपके दम है ऐसा आपको लगता है? हाँ। तो ये इतने मतलब खाते वाते नहीं है क्या? खाते हैं। तो फिर इतने पतले क्यों है भाई? फास्ट बॉलर भाई खाएगा तभी तो रन करेगा वो। अरे खाते तो हैं लेकिन लगता नहीं है सर। वो भाई साहब वो स्पिनर है, वो फास्टर जैसे लग रहे हैं, उनके बाल भी हैं ईशान शर्मा जैसे बड़े हो गए। हाँ तो भैया दो साल से तीन साल से खेलने, अभी हमको 6-7। क्या हुआ था आज के दिन? कुछ हुआ था देश को, कुछ मालूम है? आज मालूम नहीं आपको क्या हुआ था? आज आप में से किसी को क्या हुआ था? आज के दिन क्या हुआ था? आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था आज के दिन। और तो ये कब हुआ था? 1949 की 50 49 में हुआ था सर। क्या 49 में 50 में? 52 52 में हुआ था। अरे गजब हो गया यार। सर आपकी बात से सहमत नहीं है। 52 बोल रहे हैं आप, 49 बोल रहे हैं। 49 था। 49 में बना था, 52 में लागू हुआ। 52 में लागू हुआ था। श्योर भी नहीं यार? नहीं, 52 इट वाज इंप्लीमेंटेड आई थिंक। 26 जनवरी 1949 को आज़ाद हुआ था ऐसा? नहीं 47 में आज़ाद हुए थे हम लोग। 15th August 1947 में आज़ाद पे प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर्स खेल रहे हैं, बॉलर्स बॉल डाल रहे हैं अपने बॉलिंग रनअप से, बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, ग्लव्स पैड्स, एक प्रोफेशनल क्रिकेट यहाँ पे हो रही है। आप भाई साहब बॉलिंग मार्ग पे जा रहे हैं, उससे पहले हम जानना चाहेंगे क्या शुभ नाम है आपका? स्नेहिल। कितने वर्ष के हैं आप? 18। इंडिया खेलने का बिल्कुल सपना है। और क्या कुछ तैयारी है आपकी? तैयारी यहाँ चल रही है। बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, क्या हैं? बॉलर हैं, लेग स्पिनर। लेग स्पिन, आप अपनी एक लेग स्पिन डाल के दिखाइए। चलो भाई को थोड़ा एक लेग स्पिन डाल के दिखाने दो, भाई ने बोला है लेग स्पिनर है। और इनका अंदाज और इनकी लेग स्पिन की प्रतिभा देखिए आप। ओहो क्या बात है, क्या बात है। तो ये प्रैक्टिस भाई लोग कहाँ, कोई कोच भी कराते हैं या आपने से करते हो? क्या नाम है आपका? नमन प्रकाश। कोच कराते हैं? हाँ। अभी सर यहाँ पे तो कौन है जो बैटिंग कर रहे हैं? कितने साल के हैं वो? हैं 21 साल। और वो कोच हैं? इंडिया खेलना चाहते हैं वो? अरे वाह क्या बात है। आपकी इतनी छोटी एज है, आप 21 ईयर ओल्ड हैं ओनली। उन्होंने बताया आप 21 वर्ष के हैं, कोच हैं। जी। तो बैटिंग कोच है बॉलिंग कोच? नहीं बेसिकली मेरा बॉलिंग का है, बॉलिंग डिपार्टमेंट है मेरा, बॉलिंग पे ही फोकस है मेनली। मैं खुद एक मीडियम पेस बॉलर हूँ तो मेनली फोकस बॉलिंग पे ही है। तो बैटिंग कर रहे हैं मतलब बॉलिंग प्रैक्टिस हो रही है? हाँ, अभी बेसिकली इन लोगों का कल परसों में मैच होने वाला है, तो उसके लिए बॉलर्स को थोड़ी बॉलिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। मैच कहाँ का होने वाला? मैच एक्चुअली अपना मिर्ज़ापुर में है, तो टूर्नामेंट मैच है, तो उसी के लिए बस बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। रमन झा क्या है आप, बॉलर बैट्समैन फील्डर? मैं ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है? या एक ऑलराउंडर में क्या खासियत होती है? ऑलराउंडर में ये खासियत होती है कि बॉलिंग में भी 100% देता है, बैटिंग में भी 100% देता है। तो फेवरेट कौन है? मैं बॉलिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर। एक फेवरेट क्रिकेटर कौन?
फेवरेट क्रिकेटर हमारे हैं उमरान मलिक, बॉलर है मेरा फेवरेट, और बैट्समैन यदि देखा जाए तो विराट कोहली। विराट कोहली, उमरान मलिक, मतलब जो अभी करंट टीम चल रही है। या सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानता हूँ, लेकिन देखा नहीं उसको खेलते हुए। नहीं देखा, इसी लाइव, मतलब लाइव मैच में नहीं देखा, नहीं देखा। ये बताइए, जो अपनी टेनिस बॉल क्रिकेट होती है और ये, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में बहुत डिफरेंस है, टेनिस बॉल क्रिकेट और लेदर बॉल क्रिकेट में बहुत। क्योंकि सुनिए, आप एक बॉलिंग कोच है, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसको आप ग्लव्स उतारिए और समझाने की कोशिश करिए कि क्या आखिर इस बॉल में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाता है, और टेनिस बॉल या कोई और बॉल का जो टूर्नामेंट होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जा पा रहा। पे भी टेनिस बॉल के टूर्नामेंट से इवन गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी है, लेकिन क्या होता है क्रेज उसका कम है। अब जैसे देखिए, इसमें हम लोगों को प्रॉपर बॉलिंग के लिए सीम मिलती है, टेनिस बॉल में ऐसा कोई सीम नहीं है, तो बॉलर के लिए कुछ बचता नहीं है फिर उसमें। और इसकी बाउंस और उसकी बाउंस में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं सपोज करता हूँ कि मेरे को एक फुल लेंथ बॉल भी मिली है टेनिस में, तो वो मेरे करीबन इस साइड तक आती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके साथ कुछ ऐसा बाउंसी चीज़ है नहीं, इसको आप जितना जान लगाओगे उतना ही बाउंस। आप मीडियम पे सर है ना? जी 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 जी। तो सर आपकी हाइट उतनी है नहीं, तो फिर कैसे मेंटेन करते? नहीं, हाइट देखिए, बेसिकली मेरा ये मानना है, हाइट की वजह से मुझे भी बहुत इश्यूज आए हैं, तो हाइट को लेकर मेरा ये मानना है कि मीडियम पेसर के लिए हाइट उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाइट इंपॉर्टेंट है, बट अगर नहीं भी है तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मीडियम पेस के लिए आपको देखिए, बॉलिंग के लिए लाइन लेंथ जरूरी है, प्लस में आपका अगर मीडियम पेसर है तो उसकी स्विंग जरूरी है, उसका पेस जरूरी है, और बाकी हाइट इतना कुछ मैटर नहीं करता। हाइट एक डिमेरिट है थोड़ा सा मीडियम पेसर्स के लिए। आप यार आज 26 जनवरी है, क्या बोलोगे? आज 26 जनवरी है, आज के दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। 50 में कि 52 में? 50 में। अरे भाई, वो तो सर उनके 52 बता रहे हैं, कैसे बोल रहे हो? गलत है, 1950 में संविधान लागू हुआ, देश को आज़ाद हुआ था ना आज के दिन। आज के दिन संविधान लागू हुआ था, आज़ाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और फिर आज़ाद तो हो गया था इंडिया, लेकिन अब जब तक अपना संविधान ना हो, लोकतांत्रिक और क्या क्या तीन प्रकार के होते हैं संविधान। तीन प्रकार के कौन कौन से? एक कार्यपालिका, इस तरह करके तीन होते हैं, हम थोड़ा दूर हैं। तीन संविधान, मतलब एक कार्यपालिका, दो और याद नहीं आ रहा। दो याद नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और एक और कुछ बना था, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, ये तीन संविधान भारत में है, भारत में लागू हुआ था। तो व्यवस्थापिका का ये महत्व था कि व्यवस्था देखना है पूरा इंडिया का, और न्यायपालिका जो सही और गलत का निर्णय। क्रिकेट किस में आता है? ये क्रिकेट तो व्यवस्था भाई, खेल है तो व्यवस्था किस में आता हो? व्यवस्था में आता है कि किस में आता है? वो व्यवस्था ही है। अनुज मिश्रा, आज के दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी है आज। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, आज के दिन। अच्छा, तो संविधान कितने प्रकार के हैं भाई? सामने तीन प्रकार बता। सही बताता है। कितने प्रकार के हैं संविधान? भाई हंस क्यों रहे हैं भाई? क्या ही बोलूं यार, आपको मालूम ही नहीं है क्या संविधान? क्या बोले हैं? कुछ बोल नहीं रहे? नहीं, वो शर्मा रहे, बहुत शाय। आप भाई इनको बता दो डिटेल में, हंस रहे हैं भाई आपकी बात को लेकर। तो इसके साथ हमारी ये बॉलर ऑलराउंडर है, तो भाई यार एक विदेशी बॉलर हैं, बड़े ही हट्टे कट्टे और बेहतरीन अंदाज है उनका, एक कोई शायद संभवतः मॉर्गल, जिमी एंडरसन। तो आपका फेवरेट बॉलर कौन है? जिमी एंडरसन। आज 26 जनवरी है, क्या बोलेंगे? क्या 26 जनवरी पर क्या देश, क्या हुआ था आज? आज के दिन देश आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1947 में। तो अब इसके देश आज़ाद हुआ था, क्या बोले हम इसके बारे में? हम 47 में आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी 1949 में हुआ था, 1950। ठीक है यार, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको इसमें वाली बात नहीं है। आप एक बॉलिंग अपने एक्शन करके दिखाइए, और भाई देश को रिप्रेजेंट करने वाले हैं आगे चल के। चलिए आप एक्शन अपना, ये बॉलर हैं मेन, ये बॉलिंग का इनका फोकस है। कितने साल के हैं आप? हम अभी 14 साल के हैं। तो तब यार इंडिया 19 अंडर 19 खेल लेंगे आप? हाँ, चांस है, तैयारी है? तैयारी है, भैया आए, बस भैया कृपा है, भैया खिला देंगे। अरे कृपा भैया की नहीं, भैया कृपा आपसे कर, खुद से करनी है। वो क्या कृपा करेंगे आप पे? हाँ, वो दिशा निर्देशन कर सकते हैं। हाँ, ये तो करवा करेंगे कि कोई डायरेक्ट बीसीसीआई के जैसा से है कनेक्शन? हाँ है भैया। मजे के तौर पे बोल रहे हैं या सही बात? अरे सही बात है। कहाँ से कनेक्शन है भाई? बिहार से। तो बिहार से कैसे आपका कनेक्शन जैसे ऐसे हो गया? नहीं, इट्स नॉट लाइक कि कनेक्शन है, वी डू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म्स, हम तो प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड करेंगे, बाकी बच्चे को जाके करना तो खुद ही है। हाँ, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे हम तो ऑल ओवर इंडिया में लड़के जाते हैं मैचेस खेलने, प्लेटफॉर्म हम देते हैं बाकी। अच्छा, वो जो दूसरी टीम है, वो टीम अपनी टीम से अलग है क्या? जी, वो दूसरे अकेडमी के बच्चे हैं।
अच्छा एकेडमी एकेडमी का जी 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 तो यार लेकिन ये जो प्रतिभा है जो बेस्ट होते होंगे उनको तो एकेडमी से मतलब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। देख गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है तो वो अपनी जगह है, बाकी हम लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या हुआ था आज के दिन, कुछ हुआ था देश को कुछ मालूम है? नहीं ये तो नहीं मालूम। आज मालूम नहीं आपको क्या हुआ था आज? आप में से किसी को क्या हुआ था आज के दिन? क्या हुआ था आज? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था आज के दिन। और तो ये कब हुआ था? 1949 की 50 49 में हुआ था सर। क्या 49 में 50 में? 52 52 में हुआ था। अरे गजब हो गया यार सर। सर आपकी बात से सहमत नहीं है, 52 बोल रहे हैं आप, 49 बोल रहे हैं। 49 था। 49 में बना था, 52 में लागू, 52 में लागू हुआ। श्योर है? थोड़ी कंफ्यूजन है, स्कूल टाइम में थे तब तो सारी चीजें श्योर थी, अभी जितना नॉलेज। भैया 21 इयर्स ओल्ड हैं आप, कैसे बोल रहे हैं? नहीं स्कूल टाइम अभी पास किए हुए 3-4 साल हो गए, स्कूल टाइम में थे तो ये 26 20 20। सर आप देश को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 1952 बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। 52 इट वॉज इम्प्लीमेंटेड आई थिंक। 26 जनवरी 1949 को आजाद हुआ था ऐसा? नहीं नहीं 47 में आजाद हुए थे हम लोग, 15th August 47 में आजाद हुए थे। आजाद तो याद है, बिल्कुल याद है। और इसमें 49 में क्या हुआ? नहीं 49 आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना था 49 में। हाँ फुल इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक 52 एज पर माई नॉलेज, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि धुंध। एक राहत इंदौरी साहब का शायरी बोलना चाहूँगा कि मैं अपने जान के दुश्मन को जान कहता हूँ, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद। क्या बात है क्या बात है। तो जय हिंद के का स्टेटमेंट दे करके इन्होंने देश को एक बार आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ के देश के नवनिहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। 21 वर्ष की उम्र में कोच हैं और 14 वर्ष से लेकर के 18-19 वर्ष तक के बालक, 20 वर्ष तक के बालक यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। निश्चित रूप से इनमें से कोई भी या हो सकता है हर कोई एक दिन देश को रिप्रेजेंट करे, अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट करे। और हमारी ये मुहिम है जो यूपी इलेक्शन में, अभी हम BHU कैंपस में हैं और BHU कैंपस से हम आपको ये प्रसारण दिखा रहे हैं। हमारा टॉक विथ यूट्यूब चैनल है, आप उस यूट्यूब चैनल को जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मोबाइल लिए हो तो मैं आपको बता देता हूँ और आज शाम को अथवा कल आपकी वीडियो उस पर अपलोड हो जाएगी। फिलहाल ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।